दोस्तों आज की वीडियो उन जुआओं के लिए है जो आर्मी की भर्ती पहली बार देख रहे हैं या जो आर्मी में भर्ती देख चुके हैं और रनिंग में फेल हो चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो है। कुछ लड़कों को रनिंग तक पता है कि क्या क्या होता है, आगे उनको नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट कब होते हैं, बीम कब होते हैं, हाई जंप कब होता है। पूरी जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में, आपको तस्वीर दिखा दिखा के समझाऊंगा कि सबसे पहले आपका भर्ती में जे होगा, फिर जे होगा, सब कुछ आपको फिजिकल का बताऊंगा। जब आपका दौड़ होगी, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट तक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने 2 बार रनिंग पास की है, 2 बार फिजिकल पास किया है, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, ठीक है, हर स्टेप का फोटो दिखाऊंगा कि पहला आपका क्या स्टेप होगा, दूसरा क्या स्टेप होगा, तीसरा क्या स्टेप होगा, पूरी जानकारी। अगर आपकी पहली भर्ती है तो वीडियो को देख के जाइए। अगर आप दौड़ में फेल हो जाते हो, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर आप रनिंग पास कर लेते हो तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, तब भी देखिए। काफ़ी लड़के दौड़ में फेल हो जाते हैं, उनको आगे का प्रोसेस नहीं पता होता है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले आपको बाहर, जब मेन गेट के बाहर आपको लाइन लगा लेनी है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका एंट्री टाइम दोस्तों 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है, 5 बजे है, जितना भी आपका एंट्री टाइम दिया हुआ है उससे 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा पहला आपको लाइन में लग जाना है। अगर आपका 2 बजे एंट्री गेट है तो आपको 1 बजे लाइन में लग जाना है। क्यों पहले लग जाना, मैं आपको बता दूं, आपको कोशिश करनी है कि पहले 5 ग्रुप में आने की, ठीक है। मैंने भी 2 बार भर्तियां देखी हैं और दोनों बार रनिंग पास की है, तो मैंने भी पहले 5 के ग्रुप के अंदर अंदर मैंने रनिंग पास की है। उसके बाद जो ग्रुप आते हैं, 5 के बाद जो ग्रुप आते हैं, उसमें लड़के नहीं पकड़े जाते हैं, सिर्फ वो बाहर निकालने का एक प्रोसेस रहता है 5 ग्रुप के बाद, ठीक है। आपको कोशिश करनी है पहले 5 ग्रुप में लगने की, ठीक है। सबसे पहले आपको लाइन लगा दी जाएगी, ठीक है, बाहर। उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी, ठीक है, गेट से एंट्री दी जाएगी। आपका एडमिट कार्ड, जो आपके पास एडमिट कार्ड होगा वो आपका चेक किया जाएगा कि जिसका एडमिट कार्ड है वही भर्ती देखने आया है या नहीं, ठीक है, वो चेक किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका ये जो एडमिट कार्ड है ये स्कैन होगा, ठीक है, इसको जहाँ पर ये मशीन लगी हुई है इसके आगे किया जाएगा और फिर वो बता देगा कि हाँ इन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, इनका फॉर्म बिल्कुल सही है। अगर आपका फॉर्म गलत भरा होगा तो जहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपका फॉर्म स्कैन नहीं होगा, ठीक है। जहाँ उसके बाद आपका दोस्तों आपको बाहर अंदर ऐसे लगभग लड़कों का छोटा छोटा ग्रुप, लगभग 100 का एक ग्रुप बनाकर ऐसे लाइन में बैठा दिया जाएगा। एक लाइन 100 की, दूसरी भी 100 की, ऐसे बैठा दिया जाएगा। उसके बाद आपकी हाइट होगी दोस्तों, उसके बाद आपकी हाइट होगी, ठीक है। हाइट होने के बाद जो हाइट में फेल हो जाएगा, जिसकी हाइट पूरी नहीं होगी, उसको एक बाल्टी में कलर रखा होगा, उसका जो हाथ है उसके अंदर रख दिया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कलर लगा दिया जाएगा कि ये वापिस ना आ पाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो बाजू है इस पर स्टैंप लगाई जाएगी, आपके एडमिट कार्ड और आपकी बाजू पे स्टैंप लगाई जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो आपका ग्रुप है दोबारा 100-100 का ग्रुप, आपको उधर बैठने को वो बोलेंगे, तो आपको लगभग आधा घंटा 1 घंटा भी बैठाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, उसके बाद आपका जो होगा मैं आपको बता दूँ, उसके बाद आपका ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है। 200 का ग्रुप बनता है तो 200 लड़के होंगे, अगर 300 का बनता है तो 300 हो गए, अगर 400 का होगा तो आपको ये ग्राउंड में बैठा दिया जाएगा, ठीक है। वो ग्राउंड में आपको बैठने को कहेंगे तो आपको बैठ जाना है। उसके बाद दोस्तों वो बातें करेंगे आपके साथ, आपको होशियार रहना है, उनकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देना, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी गो बोल सकते हैं, ठीक है, आप रेडी रहना है। उसके बाद आपको ये खड़ा होने के लिए बोलेंगे, तो सभी ने खड़ा हो जाना है और अपनी पोजिशन में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको भगा दिया जाएगा। आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि आगे लगने की, जितने आप आगे आ जाएंगे ग्रुप के अंदर तो आपकी रनिंग पास होने के चांस है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप रनिंग पास कर लोगे, काफ़ी लड़कियों को इतने तक पता होगा क्योंकि उसके बाद वो फेल हो जाते हैं रनिंग में, तो आगे उनको नहीं पता होता है। अगर आपने सेकंड ग्रुप में रनिंग पास किया तो आपके जहां पर चेस्ट पर सेकंड नंबर 2 लिख दिया जाएगा कि ये नंबर 2 ग्रुप में आया है। अगर फर्स्ट होगा तो जहां पर फर्स्ट लिख दिया जाएगा, ठीक है। आपकी ये स्टेप जरूरी है, ठीक है। आपको जितनी भी स्टेप लग रही है सभी स्टेप अपने शरीर पर जहाँ पर भी वो लगाएंगे वो आपको लगानी है, ठीक है, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। स्टेप लगाने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा जहां पर आप रनिंग पास कर लोगे, स्टैंप लगाने के बाद तुरंत आपको फॉर्म दिया जाएगा।
आपको ये फॉर्म भर लेना है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपके पास पेन जरूरी होना चाहिए। आपको जल्दी से ये फॉर्म भर लेना है, इस पर आपका एड्रेस वगैरह लिखा होता है, इसको जल्दी जल्दी से आपको भर लेना है। आपका नाम इसको आपको जल्दी से जल्दी भरना होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो रनिंग में फेल हो जाएंगे उनको कल्ले लगा दिया जाएगा कि ये वापस ना आ पाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका ये जहाँ पर एक फॉर्म भरा जाएगा, जहाँ पर ये आर्मी वाला भाई भर रहा है, और आपको जहाँ पर आपका नाम और एड्रेस, पिता का नाम पूछा जाएगा, जल्दी से जल्दी आपको बोलना है। अगर आप धीरे धीरे बोलेंगे तो ये वाले आर्मी वाले आपको मारने की कोशिश करेंगे, आपको थप्पड़ वगैरह भी लगा सकते हैं अगर आप धीरे धीरे बोलें। जल्दी से जल्दी जितना होशियार आप बनोगे उतना ही अच्छा है आर्मी में, ठीक है। उसके बाद आपके जिंग जिंग होगा, जहाँ पर बैलेंस आपको बनाना है, ये लकड़ियाँ का बना होगा, ये आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, इस पर आपको चलना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको लॉन्ग जंप, 9 फिट का लॉन्ग जंप लगाना होगा, लगभग इसमें भी सभी पास हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बीम होगा, जितने भी लड़के बीम पास करेंगे वो आगे जाएंगे, अगर इसमें से कोई बीम में फेल हो जाता है तो आपको उधर से ही बाहर कर दिया जाएगा। बीम में भी लड़के फेल होते हैं, ठीक है। आपको बीम की भी तैयारी घर पे अच्छी करनी है। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक होगी, जहाँ पर आपका तस्वीर खींचा जाएगा और आपका एड्रेस वगैरह लिखा जाएगा, जो आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको एक नंबर दिया जाएगा, चेस्ट पर लिखा जाएगा। इस नंबर को आपको जितने तक आपका मेडिकल और रिटर्न नहीं हो जाता उतने देर तक आपको याद रखना है। ये जो वाला नंबर आपकी चेस्ट पर लिखा जाएगा आपको पता होना चाहिए। आप अब आगे जो आपका प्रोसेस होगा वो आपके नाम से नहीं होगा, ये वाले नंबर से होगा, ठीक है। आपको अपना ये नंबर आप बताएंगे तभी आगे जाएंगे, ठीक है। इस नंबर को आपको याद रख लेना है। उसके बाद थोड़ी सी बाजू आपकी देखी जाएगी, ठीक है, कि आपने नशा वगैरह तो नहीं किया है रनिंग के समय। उसके बाद दोस्तों आपकी हाइट होगी, फिर से आपकी हाइट होगी, हाइट भर्ती में 2 बार होती है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपकी हाइट होगी, उसके बाद आपकी चेस्ट होगी, ठीक है। चेस्ट हाइट में जो भी फेल होगा उसको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका वेट होगा दोस्तों, वेट होने के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट होंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। देखिए फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, ठीक है, जहां पर चेक हो रहे हैं। उसके बाद आपको टोकन दिया जाएगा, उसके बाद आपको टोकन दिया जाएगा, उस पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका मेडिकल इतनी डेट को है, तो आपको इतनी डेट और इतने समय पे पहुंच जाना है। यही दोस्तों फिजिकल होता है, आपको पता लग गया होगा। आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं तभी आपको मेडिकल का टोकन मिलेगा, अगर डॉक्यूमेंट कम हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट पर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, तो जल्दी ही मैं न्यू वीडियो भी बनाऊँगा डॉक्यूमेंट पर। तब तक के लिए जय हिंद।